आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। अनुराग ठाकुर के इग्नोर पर जयराम बोले, अब बात खत्म, नहीं आएंगे शीतकालीन प्रवास पर। लोक सेवा आयोग ने HAS परीक्षा 2019 के लिए मांगे आवेदन, अंतिम तिथि 10 फरवरी को। ग्रीष्मकालीन स्कूलों की 5वीं और 8वीं परीक्षा की डेट शीट जारी, 12 से 20 मार्च तक चलेंगे पेपर। क्लर्क छंटनी परीक्षा की तिथि घोषित, डाक से भेजे जा रहे एडमिट कार्ड। ऊना में स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर निजी शिक्षण संस्थान में CBI की दबिश, होर्डिंग्स प्रचार सामग्री सहित अन्य रिकॉर्ड कब्जे में लिया। सोलन में दिल्ली के युवकों ने क्रेन चालक की पिटाई कर खाई में फेंका, उपचार के दौरान मौत। मंडी में हॉस्टल के कमरे में मृत मिली नादौन की रहने वाली नर्सिंग कॉलेज की छात्रा। हिमाचल में बर्फबारी से 100 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप, HRTC की आधा दर्जन बसें फंसी। अब समाचार विस्तार से। BJP प्रदेशाध्यक्ष पद पर डॉक्टर राजीव बिंदल की ताजपोशी समारोह के वक्त केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के CM जयराम ठाकुर को इग्नोर करने पर उनका कहना है कि जो हो गई वो हो गई, अब बात खत्म। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद बहुत जल्द नए मंत्रियों की ताजपोशी होगी। उनकी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी ने ड्यूटी लगाई है, इसके चलते वे शीतकालीन प्रवास पर नहीं जा सकेंगे। चुनाव के बाद निचले जिलों का दौरा किया जाएगा। अगर आप क्लास 1 अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो तैयार हो जाएं। आपका ये सपना जल्द पूरा हो सकता है। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने HAS परीक्षा 2019 के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। प्री परीक्षा 26 अप्रैल को हिमाचल के 10 जिलों में आयोजित की जाएगी। कुल 26 पदों के लिए भर्ती होगी। अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखें। आयोग की सचिव राखिल कहलो ने आवेदन मांगे जाने की पुष्टि की है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने ग्रीष्मकालीन स्कूलों की 5वीं और 8वीं परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। 5वीं की परीक्षा 12 मार्च से 18 मार्च और 8वीं की परीक्षा 12 से 20 मार्च तक होंगी। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों के 5वीं व 8वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा का संचालन सुबह 9:45 से 1 बजे तक किया जाएगा। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने लिपिक यानी क्लर्क पोस्ट कोड 746 के पदों की छंटनी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 15 मार्च को जिला मुख्यालय हमीरपुर में होगी। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि 20% सीधी भर्ती के माध्यम से क्लर्क के पदों की छंटनी परीक्षा 15 मार्च को जिला मुख्यालय हमीरपुर में सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की जा रही है। पात्र अभ्यर्थियों को डाक द्वारा एडमिट कार्ड भेजे जा रहे हैं। एडमिट कार्ड के प्रपत्र का नमूना कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
ऊना में स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर एक निजी संस्थान में सीबीआई की टीम ने फिर दबिश दी है। टीम ने दबिश के दौरान नाइलिट संस्थान के होर्डिंग्स व प्रचार सामग्री सहित अन्य रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। ये संस्थान ऊना में 3 कमरों में चल रहा है, यहाँ पर इंजीनियरिंग भी करवाई जा रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे छात्रों के नाम डिग्री है जिन्हें यह नहीं पता कि वे इंजीनियर बन चुके हैं। छात्रों को इंजीनियरिंग के सिलेबस तक के बारे में पता नहीं है। कई छात्रों को बीए और बीकॉम की डिग्री भी दी गई है। जिला सोलन के परवाणु में एक क्रेन चालक को कुछ युवकों ने बहसबाजी और मारपीट के बाद सड़क से नीचे खाई में फेंक दिया। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उपचार के दौरान चालक की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवकों की गाड़ी खराब होने पर क्रेन को दिल्ली के लिए किराए पर लिया था, लेकिन रास्ते में बारिश और क्रेन में खराबी के चलते चालक ने अगले दिन गाड़ी छोड़ने की बात कही। इस पर युवकों ने उसकी पिटाई की और उसे खाई में फेंक कर वहां से फरार हो गए। मंडी जिला के बल में एक छात्रा ने रहस्यमयी परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्रा की पहचान नेहा कौंडल निवासी नादौन जिला हमीरपुर के तौर पर हुई है। छात्रा बल उपमंडल के टांडा स्थित अभिलाषी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ती थी। नेहा रोजाना की तरह अपने कॉलेज में क्लासेस लगाकर लंच करने अपने हॉस्टल आई हुई थी, लेकिन वापस कॉलेज नहीं गई। नेहा के रूममेट ने कमरा बंद देखा तो गार्ड की सहायता से दरवाजा तुड़वाया। कमरे में नेहा मृत अवस्था में पाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का असर सड़क यातायात व हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। ताजा बर्फबारी के चलते प्रदेश भर में 100 सड़कों पर आवाजाही ठप होकर रह गई है, तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं बाधित हो गई हैं। कुल्लू जिला में बीती रात से ऊंची पहाड़ियों में भारी बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश से तापमान में भारी गिरावट हुई है। कुल्लू के ऊंचे ग्रामीण क्षेत्रों में आधा दर्जन परिवहन निगम की बसें भारी बर्फबारी के बीच फंस गई हैं। वहीं शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भी हिमपात के चलते कई रास्ते बंद हैं। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।